चलिए बढ़ते खबरों में आके 10 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करने वाले हैं, जिसको लेकर सुमेरपुर की जनता को बजट में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। बता दें कि सुमेरपुर विधायक जोरा राम कुमावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बजट पेश होने से पहले मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए करीबन 40 बिंदुओं का लिखित लेटर पेश कर विधानसभा बजट में मांग की है। और सुमेरपुर में जो ट्रैफिक पुलिस चौकी है वो करीबन 25 साल पहले ट्रैफिक पुलिस चौकी थी, उस समय एक चार के या नफरी लगा रखी है। उसके बाद में 25 साल में सुमेरपुर का 4 गुना विस्तार हुआ है, लेकिन ट्रैफिक चौकी वो के वो है, इसलिए उसको ट्रैफिक चौकी को कर्मोन्नत करने की भी हमने मांग की है। तकतगढ़ कस्बे में ट्रैफिक पुलिस चौकी नहीं है, वहाँ भी नई पुलिस ट्रैफिक चौकी मांग की है। कई जगह पुलिस थानों को पुलिस चौकियों को अपग्रेड करने की मांग की है। कई जगह नए थाने खोलने की मैंने मांग की है। पंचायतों पे जो स्कूलें कर्मोन्नत हुई है उनमें कई जगह विषय के अध्यापक नहीं है और कई विषय खुले हुए नहीं है, तो नए विषय खोलने और अध्यापक लगाने की हमने मांग की है। इस तरह से इसके अलावा बहुत सारी मांगे। तो हम आशा करते हैं कि सुमेरपुर क्षेत्र को सरकार अच्छी से अच्छी सौगात देगी और जनहित में ये काम स्वीकृत कराएगी। को 10 फरवरी को पेश होने वाले बजट से काफी आस है। जोराराम कुमावत ने भी सीएम गहलोत से की मुलाकात।